आत्मिक वर्ग की तरफ। पचवाड़ा कोल ब्लॉक में अवैध खनन मामले पर एनजीटी के तेवर तल्ख हुए हैं। वन भूमि से हो रहा है अवैध खनन पर सरकार से जवाब मांगा है। बंगाल एमटा कोल माइंस लिमिटेड और वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को आवंटित हुआ था यह खदान कैप्टिव कोल ब्लॉक के लिए। 371 हेक्टेयर 7 डिसमिल वन भूमि के लिए मिला था फॉरेस्ट क्लियरेंस। 27 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी दोबारा माइनिंग। एनजीटी को बताया गया 25 अगस्त 2014 को ही समाप्त हो चुका है आवंटन। 16 नवंबर 2015 को देश भर के 203 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द हुआ था। 2015 के बाद भी पचवाड़ा कोल ब्लॉक की बैंक गारंटी जब्त नहीं हुई। पाकुड़ फॉरेस्ट डिविजन को पचवाड़ा नॉर्थ ब्लॉक की जमीन डायवर्जन करना था। काम कर रही एजेंसियों ने 2018 तक माइनिंग प्लान नहीं सौंपा है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, अब देखिए कोल ब्लॉक में जो अवैध खनन हुआ उस मामले पर एनजीटी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं अब। हाँ जी, आप ये पचवाड़ा कोल ब्लॉक का मामला है जो पाकुड़ में अवस्थित है और ये इसके 371.07 हेक्टेयर वन भूमि पर जिसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला है उस पर अवैध खनन हो रहा है। ये मामला एनजीटी तक पहुंचा है और उसमें बताया गया है कि 27 अक्टूबर 2020 से एमटा कोल माइंस लिमिटेड और वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खनन किया जा रहा है। ये दोनों एजेंसी ही वहां से कोयला का खनन का काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि 16 नवंबर 2015 को देश भर के 203 कोल ब्लॉक का आवंटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हुआ था जिसमें ये कोल ब्लॉक भी शामिल है, लेकिन इसकी बैंक गारंटी केंद्र सरकार ने अब तक जब्त नहीं की थी। और पाकुड़ फॉरेस्ट डिवीजन को कहा गया था कि 371.07 हेक्टेयर जो भूमि है उसका डायवर्शन करने के लिए, लेकिन ये मामला कहां तक पेंडिंग है ये वन विभाग ही बता पाएगा। लेकिन उस डायवर्शन का जो आदेश था उसने इन्होंने खनन कार्य शुरू कर दिया। इसे एनजीटी ने कहा ये पूरी तरह अवैध है, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए और वन विभाग से इस पर जवाब मांगा गया है। और एनजीटी ने यह भी कहा है कि 2018 तक जो पुनरीक्षित माइनिंग प्लान देना था वो भी इन दोनों एजेंसियों ने सरकार को नहीं सौंपा है। तो इसको लेकर एनजीटी काफी तल्ख है और 8 जुलाई को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक। तो अब 8 तारीख को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।